हाय एवरीवन. सो ये हमारा आई थिंक सेकेंड ब्लॉग है जिसमें हम बात करेंगे कि माई डेंटिस्ट हस्बैंड डिड माई ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट. अभी मेरा एनएसआईज है. पहले मैंने वीडियोस डाली थी माई हस्बैंड डिड माई आरसीटी. तो आज भी मेरे एक टुक में पेन हो रहा है, राइट साइड बहुत ज़्यादा पेन है. अभी एक्सरे दिया है, केवीज तो है ही है, बट अभी देखते हैं कि वो आरसीटी में जाएगा या सिंपल फीलिंग से ठीक हो सकता है या नहीं. तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा एन्जाइटी है. एंड शायद ये वीडियो देख के आपका थोड़ा सा एन्जाइटी लेवल कम हो, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा एंशियस पेशेंट हूँ. एंड लेट्स सी. सो आर यू रेडी? आई ऑलवेज होल्ड दिस मिरर इन माई हैंड अपनी एन्जाइटी को रिलीव करने के लिए. बीच में हल्का हल्का सेंसिटिव लगता है. अभी मुझे बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव लग रहा है. वैसे तो एले का इफेक्ट अच्छा है तो इतना नहीं पता लग रहा, बट थोड़ा बहुत तो सेंसिटिव होता ही है. कि हम ट्रीटमेंट कर रहे थे एंड ही टोल्ड मी कि ये वाला टूथ जो है अपर राइट मोलर, तो ये बहुत ज़्यादा केरियस है. एक्सरे में तो शायद लग रहा था कि शायद फीलिंग से बच जाए, बट अभी बहुत ज़्यादा केरियस है, तो ये भी आरसीटी ही जाएगा. और देखते हैं आप. What do you want to say? फंस गए अब तो क्या? नहीं नहीं, फंसने वाली क्या बात है. अब बचाना तो है ही है टूथ को. नेचुरल टूथ को आप जितना बचाओगे उतना ही आपके ही बेटरमेंट के लिए है वो. तो लेट्स सेव दिस टूथ थ्रू आरसीटी. सो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और मैं परफेक्टली नॉर्मल हूँ.
कोई भी इशू नहीं है और अब 3 दिन बाद दोबारा से इसको कंप्लीट करेंगे आरसीटी को. अभी सिर्फ एक्सेस ओपनिंग और बीएमपी हुई है. 3 दिन बाद इसको ऑब्चुरेट करके ऊपर से फिलिंग कर देंगे एंड देन उसके बाद कैपिंग का प्रोसीजर होगा. एंड यू कैन सी आई एम परफेक्टली फाइन, कोई भी इशू नहीं है. तो आप भी बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए अगर आपके भी डेंटल पेन है या किसी डेंटिस्ट ने आपको आरसीटी प्रिस्क्राइब की है, तो अपना फोबिया कम कीजिए एंड प्लीज़ डू विजिट योर डेंटिस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एवरीवन. बाय बाय.